क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं ना, तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसा समझो यहाँ पे जैसा गारा है, वो यहाँ पे ऐसा फौड़े घमेले से कि वो भरते घमेले के अंदर और यहाँ पे इसमें वो इसमें डालते हैं। तो इसमें कैसा क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ, भाई थोड़ा करीब से होता है। तो भाई आप देख सकते हैं ये मशीन का दूसरा पार्ट से, और ये यहाँ से इधर हो जाता है, यहाँ से इसमें से गारा निकलता है। गाइस व्हाट्सएप एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ईंट कैसे बनती है, वही ईंट जिससे आप अपना घर बनाते हैं, और ये कहाँ बनती है और कैसे बनती है और उसको बनाने का क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर देना। तो चलिए मैं आपको फुल प्रोसेस बताता हूँ कि ईंट कैसे बनती है, चलिए मेरे साथ। तो एक पहले स्टेप में ऐसा होता है कि हम मिट्टी और राख इनको दोनों को मिलाते हैं और पानी डाल के इनको कलाते हैं, और उसके बाद में भाई थोड़ा इधर आओ और उनको थोड़ा वो एक बार वो बता दो मिट्टी और राख। ठीक है इधर आओ। तो भाई उसमें राख मिट्टी और ये काली चूड़ी डालते हैं, इससे उसमें पकने के लिए उसकी मदद मिलती है। तो आप देख सकते हैं इसे कोयला बोलते हैं और ये डैम से आता है। तो भाई इनको सबको मिक्स करे बाद में सब ऐसा आला बनाते हैं, और आला बना के इसमें पानी छोड़ा जाता है, उसके बाद में ये मुड़ता है और फिर इनको इस मशीन में डाला जाता है इसको मिक्स करने के लिए, कलाने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मशीन वो। तो भाई अभी आप देख सकते हो मशीन के पास आ गए, और मशीन के पास में और अब यहाँ पर एक चाहिए देख सकते हो ड्रम, पानी का ड्रम। ये पानी का ड्रम यहाँ पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जिसमें जो वो डालते हैं ना गारा, तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना, तो उसको स्मूथ करने के लिए उसमें पानी डालते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा वो सूखा भी रह जाता है ना, तो वो इसलिए उसमें अटकता है, वो उसके जो अंदर जो मशीन है उसमें अटकता है, तो उसमें इसलिए पानी डालते हैं कि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो अब उसमें कैसे उसमें गारा कैसा डालते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो भाई थोड़ा इधर आ जाओ, अभी तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि यहाँ का सब यूज़ कर लिए जो गीला किए थे ना जो। तो भाई आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने आपको पहले बताया था कि गारा और मिट्टी और ये राख को मिला के सब मिक्स करके कि वो जो कीचड़ बनाया वो गारा बनाया जाता है, तो अभी यहाँ का तो यूज़ कर लिया है क्योंकि यहाँ वर्क हो चुका है सुबह सुबह। तो यहाँ पे अभी तो जो है नहीं गीला वाला, मगर जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ना यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा गीला, और इसको मशीन में कैसे डालते हैं और इस मशीन में कैसे कलाया जाता है मैं आपको बताता हूँ। तो भाई थोड़ा इधर आ जाओ, यहाँ का क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं ना, तो अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसा समझो यहाँ पे जैसा गारा है, तो यहाँ पे ऐसा फौड़े घमेले से कि वो भरते घमेले के अंदर और यहाँ पे इसमें ला के वो इसमें डालते हैं। तो इसमें कैसा क्या प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ, भाई थोड़ा करीब से बताओ इनको। तो इसके अंदर ये मशीन होती है और इसमें गारा डालते हैं, तो जो इसमें मशीन घूमती है और उसको अच्छी तरह से कलाती है, और जो इसमें हमने आपको बताया ना इसमें पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि इसमें जो सूखी मिट्टी या कुछ रह जाता है ना, तो उसकी वजह से मशीन जाम हो जाती है। तो मशीन को थोड़ा फ्री करने के लिए, स्मूथ करने के लिए इसको गारे को इसमें पानी डाला जाता है, और इसमें यहाँ से गारा जहाँ से निकलता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो ये मशीन का दूसरा पार्ट से, और ये यहाँ से इधर हो जाता है, यहाँ से इसमें से गारा निकलता है। तो अभी तो बंदे जब चालू रहती है ना मशीन, तो इसमें से गारा निकलना चालू रहता है। तो इसको किस चीज़ पे डाल के ले जाते हैं और कैसे ले जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो भाई थोड़ा इधर बता। तो भाई आप देख सकते हो ये गाड़ी, इसको बोलते हैं गारे की गाड़ी। तो इस पर गारा डाले जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे लगाते हैं। तो इसको यहाँ पे ना इसके सामने यहाँ पे रख देते हैं, तो इस पर जो मशीन जब चालू रहती है तो इस पर गारा गिरते जाता है, और इस पर गारा जमा होता है, और फिर इस पर जब गारा जमा हो जाता है ना, तो इसको जो जगह होती है ना जब वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ पर ले आके ऐसा भाई इधर बताना है, थोड़ा आगे आ जाओ। तो ऐसा जब वर्कर काम करने वाले रहते हैं ना जो साइड में बैठ के, और ये गारे को वहाँ पे ऐसा गिरा देते हैं, जहाँ थापा जाता है जो उसके यूज़ करना होता है जहाँ उसकी गारे को। तो भाई आप देख सकते हो जो ईंट बनती है ना, तो पहले से गीली रहती है और इसको सुखाते हैं, आप इधर देख सकते हो, फिर गीली के बाद में उसे फिर सुखाने के लिए छोड़ा जाता है, फिर जब वो थोड़े सूख जाते हैं वो बेटर हो जाते हैं, तो उसके बाद में ऐसे इन्हें खड़े किया जाते हैं, इनके ऐसे लाइन बना के इनको खड़े करते हैं। अब बात करते हैं भाई इसे बनाते कैसे, और इसका साँचा किस तरह से दिखता है, और इसका साँचा है कैसा, तो मैं आपको इसका साँचा दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप इसका साँचा रहता है, और जो मैंने आपको बताया था ना गारा, तो गारा इसमें ऐसा डालते हैं और फिर इसके बाद में ऐसा ईंट निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से ईंट तैयार होती है साँचे में से निकले बाद। तो इसके बाद का प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको कि इसको पकाई कैसे जाती है।
तो गाइस आप देख सकते हो इस इलाके में पूरे भट्टे ही फैले हुए हैं और अभी हम जिस जगह मौजूद है ना यहाँ पे कम से कम 8 से 10 भट्टे हैं और सबसे ज्यादा भट्टे बालापुर में पाए जाते हैं। अकोले जिले के बालापुर में जितने भट्टे हैं ना उतने भट्टे कोई और तरफ नहीं है। अकोले जिले के आसपास के जिलों में सबसे ज्यादा ईंट अकोला के बालापुर में ही बनाई जाती है और यहाँ की ईंट सबसे ज्यादा बाहर के जिलों में जाती है जैसे कि अकोला, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना। तो गाइस अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं ना तो इसे भट्टी कहते हैं। यहाँ पे ये ईट तब लाते हैं जब भाई उधर बताओ जब वहाँ पे ईट जब पूरी तरह सूख जाती है ना ईट, उसके बाद वहाँ से वर्कर्स के जरिए वहाँ से ईट उठा के यहाँ लाया जाता है और यहाँ पे ऐसे जमाई जाती है ईट को और यहाँ पे काम को करने के लिए अच्छे खासे वर्कर लगते हैं। और इसकी कितनी हाइट होती है मैं आपको वो भी बताता हूँ और इसको तो इसको पकाया किस तरीके से जाता है मैं आपको वो बताता हूँ। वो प्रोसेस होने के बाद में आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था और भट्टी की हाइट इतनी होती है इसकी देख रहे हैं ना आप। और वहाँ पे ईंट कच्ची रहती है उसकी जब उसको नीचे से आग लगाई जाती है ना तो जब उसमें फिर ये पक जाती है ईंट। तो आप देख सकते हो तो इस तरीके से ईंट पकती है आप देख सकते हो। और इस भाई इसको जो ऐसा वर्कर्स के जरिए ऐसा निकाला जाता है भट्टी गर्म भट्टी से, अभी देख सकते हो धुआं निकल रहा बहुत गर्म भट्टी है और वर्कर्स के जरिए इसको निकाला जाता है और ऐसी लाइन्स में ऐसा जमाया जाता है तो आप देख सकते हो। और यहाँ जमाया बाद में इसे इस पर पानी डाला जाता है इस पर कि ये ईंट फूली नहीं और इसका टुकड़ा ना हो, इसलिए टोटली प्रोसेस कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब इसके बाद में इसे यहाँ से सेल किया जाता है। तो यही था अपना आज का वीडियो। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और आप देख सकते हो फिर मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से समझाने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर जानकारी दी है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं कोई और नेक्स्ट।